हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सोहेल फिदा एंड आई एम हियर विद सीमा पावाजी, जिनकी फिल्म राम प्रसाद की तैरवी आप डायरेक्ट कर रहे हो, एक्टर आल्सो। बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। थैंक यू। क्या है फिल्म राम प्रसाद की तैरवी? आपको तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि राम प्रसाद की तैरवी, यानी कि कोई आदमी चला गया है हमें छोड़ के, हम उसकी तैरवी मना रहे हैं। और मुझे लगता है इतनी कॉमन सी चीज़ है, हमारे आए घरों में ऐसा होता रहता है कि हमारे कोई अपने प्रिय हमें छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये रिश्तों का ताना बाना है, कैसे रिश्ते बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं। और मौत जैसी सिचुएशन में भी कई बार हम बहुत अजीब सी हरकतें करते हैं, उसी पे ताना बाना बुना है मैंने। आप देखिए, मज़ा आएगा आपको। मतलब हम इस फिल्म को क्या कॉमेडी कहेंगे, हिस्टोरिकल कहेंगे, क्या कहेंगे? मतलब हम इसको बिल्कुल कॉमेडी नहीं कहेंगे, ये कॉमेडी फिल्म नहीं है। ऐसा कोई गलत फहमी अपने दिमाग में मत रखिए। आपको हंसी ज़रूर आएगी, पर हंसी आने का मतलब ये नहीं होता कि वो कॉमेडी फिल्म है। हंसी इसलिए आएगी क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। बात सीरियस है, बात सीरियस है, बात तो सीरियस ही है। ये कभी प्लान हुआ सिमा जी, लाइक वैसे तो यू आर सच ए फाइन एक्टर, लेकिन ये आपके दिमाग में, ये जहन में कब से स्टोरी चल रही थी? और लाइक एक्चुअली में होता है ना, आप बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं, अपनी ज़बान से बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, पर एज ए कलाकार मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह पा रही थी जो मैं कहना चाहती हूँ लोगों से। तो मुझे लगा कि मैं लिखती हूँ इसको, तो जब लिखा तो फिर रास्ते बनते चले गए और यहाँ तक फिल्म बन गई। आप यू आर सच ए फैबुलस एक्टर, और यहाँ पर जितने भी फिल्म में हैं हम, मतलब एक से एक बढ़कर एक, कितना मज़ा आया। और डेफिनेटली आपने सीखा होगा, उनको कुछ सिखाया होगा, कैसे ओवरऑल माहौल? बहुत मज़ा रहा, क्योंकि हमारे यहाँ समोसे आते थे, कचौरियाँ आती थी, जलेबियाँ आती थी, दही बल्ले आते थे, लखनऊ के कबाब आते थे और फिल्म बनाते थे हम। ये फिल्म कहाँ पर? लखनऊ में शूट हुई है जी। कुछ कुछ नसीर जी के बारे में, कोंकणा है क्या है, मतलब नसीर जी तो मेरे गुरु हैं और बहुत कुछ सीख रही हूँ मैं उनसे, बहुत कुछ सीखा है उनसे। और उनका तो हमेशा प्यार बना रहता है अपने ऐसे लोगों के साथ जो सच में काम करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने उनसे कहा कि मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ, वो आ गए। उन्होंने तो स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं मैं क्या रोल कर रहा हूँ, बस उन्होंने कहा मैं कर रहा हूँ। तो उम्मीद का मामला है एक्चुअली, थोड़ा क्या लगता है कि फिल्म एक्चुअली इतने अच्छे कलाकार, आप इतने फाइन एक्टर, रिलीज के लेकर क्या हो रहा है और खास करके स्पेशल? देखिए, रिलीज तो हो गई है फिल्म, डेफिनेटली इसमें रिस्क तो बहुत बड़ा है, मगर हमने सोचा है कि नए साल में एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, शायद लोगों को ऐसा लगे कि चलो चलते हैं और अपने आप को एंटरटेन करते हैं। मैं तो यही कहूँगी ऑडियंस से कि डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं भी अपना मास्क लेके घूम रही हूँ, अपना मास्क लगा के रहिए, अपने हाथ सैनिटाइज करते रहिए, जैसा कि हम हर जगह कर रहे हैं। अब हम घर से बाहर जा ही रहे हैं, आप तो निकल ही रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा एंटरटेन भी करना चाहिए। यहाँ आइए, आप सेफ हैं। आप आज देखिए इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम बाकायदा हर एक से डिस्टेंस बना के चल रहे हैं, हर एक के साथ पूरी सफाई के साथ पेश आ रहे हैं। तो आप भी आएँ, अपने आप को एंटरटेन करें प्लीज़। ओवरऑल आपने थोड़ा स्टडी किया होगा, फिल्म थिएटर्स तो ओपन हो गए कुछ महीने पहले ही, पर आपने भी देखिए, मैं तो एक डायरेक्टर हूँ, मैंने फिल्म बनाई है, ये काम प्रोड्यूसर्स का है, तो उन लोगों ने जो भी रिसर्च किया होगा, मुझे तो सिर्फ ये खुशखबरी है कि उन्होंने मेरी फिल्म रिलीज करने की सोची है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।